वेलकम टू द स्टिचिंग एंड कटिंग पॉइंट गाइस। आज हम ट्राउज़र की कटिंग करने लगे हैं। स्ट्रेट ट्राउज़र है और सिगरेट पैंट भी है, और तो हमने इसकी ये प्रेस लगा रही है, और ये इस तरह आपने अपने आगे रख लेना, ठीक है। ये चार आपके जो पल्लू हैं वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। जो किनारा आपने अपनी तरफ रखे हैं, स्क्वायर से आपने इस तरह आपने ऊपर निशान लगा लेना सीधा, ठीक है। आपको मुकम्मल गाइड करने वाला इंशाल्लाह आप फुल वीडियो देखें। यहाँ आपने बेल्ट का 2 इंच छोड़ लेना है। यहाँ से आपने 11.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। अगर मीडियम साइज है, और यहाँ से आपने बेल्ट के नीचे से 11.5 इंच का निशान लगाना है, और ये 36 लंबाई है। हम 36 पे निशान लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। अब स्क्वायर से हम यहाँ सीधे निशान लगा लेंगे इसको। गाइस ये बहुत ही आसान तरीका, आपका साइज मीडियम है, स्मॉल है या लार्ज है, ये हिप के हिसाब से कटिंग होती है पैंट्स की। यहाँ भी आप इस तरह निशान लगा लें, ठीक है। यहाँ आपने नॉर्मल अगर आप रखते हैं तो 3 इंच काफ़ी, हमें थोड़ा चौड़ा रखना है, हम 4 इंच रखेंगे, ठीक है। यहाँ भी आपने निशान लगा लेना है इस तरह। गाइस नॉर्मल जो है वो 3 इंच तक रख लें आप, एक्स्ट्रा दबाव के लिए हमने 4 इंच रखा क्योंकि ज़्यादा फोल्ड करना है हमने। यहाँ हमने सेंटर करना 7 इंच पे, ठीक है। ये मीडियम साइज़ है, और 7 इंच पे आपने सेंटर कर लेना है इसका, किनारे से 7 इंच हो टोटल। जहाँ से स्क्वायर से आपने सीधा निशान लगा लेना सेंटर का, ठीक है। इस तरह फुल नीचे तक ले जाएं, जहाँ तक पहुँचा है आपका वहाँ तक निशान लगा लें इस तरह, ठीक है। तो अभी हमने निशान लगा लिया सेंटर में। यहाँ हम पांचे का निशान लगाएंगे, 6.5 इंच पहुँचा है, ठीक है। आपने निशान से 3.25 उस साइड पर रखना है, और 6 इंच का यहाँ से निशान लगाना है आपने इस साइड से, बाहर वाली साइड से, ठीक है। क्योंकि आधी इंच हमारा बैक से कवर होगा। हिप 22 इंच है, हमने 11 इंच निशान लगाना है, 5.5 इंच सेंटर से उस तरफ और 5.5 इंच इस तरफ, ठीक है। यहाँ से आपने थाइस का 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है, ठीक है, जो हमने गुलाई देनी है। यहाँ से भी हमने 11 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। 5.5 इंच सेंटर से उधर और 5.5 इंच इस साइड पे, अपने वाली साइड पे, ठीक है। स्क्वायर से सीधा निशान लगा लिया, और यहाँ गुलाई दे देनी है आपने, और 13.5 इंच आपका आसन आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर से आपने यहाँ से ऐसे ऐसे शेप देनी है ऊपर से, जहाँ आपने 2 इंच का निशान लगाया वहाँ से तकरीबन 3 इंच ऊपर आपकी स्क्वायर हो, ठीक है। और अभी हम सीधा नीचे निशान लगाएंगे, इस तरह आपने स्क्वायर से निशान नहीं लगाना, ठीक है। इस तरह आप रखेंगे स्क्वायर को। अगर जो पहली दफ़ा हमने ये स्क्वायर रखी थी उस तरह रखेंगे तो आपकी शेप थोड़ी बाहर निकलेगी, और वो बुरी लगेगी, आपका ट्राउज़र फूला फूला हुआ आएगा, शेप सही नहीं आएगी। तो अंदर वाली साइड पे भी आपने इस तरह निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने थोड़ा सा बाहर निकाला है निशान, ताकि जब हम फोल्ड करें इसको तो बराबर सिलाई आएगी हमारी, इसमें चुनट नहीं आएगी, ठीक है। अभी दो पल्लू आपने उठाने हैं इस तरह, ठीक है। इनको ऊपर निशान, जहाँ हमने ऊपर वाला लगाया था निशान के ऊपर कटिंग कर देनी है उसकी, और साइड से आपने 1/2 इंच का दबाव छोड़ लेना है, निशान से 1/2 इंच एक्स्ट्रा आप छोड़ के कटिंग कर लेंगे, ठीक है। निशान के ऊपर कटिंग नहीं करनी, 1/2 इंच दबाव छोड़ेंगे आप, इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ 1 इंच हमने कट बनाना है साइड पे, तो हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ पांचे पे कट स्लिट बननी है, तो ये हमने नीचे से भी कटिंग कर ली, ठीक है। ये कट लगा लेना छोटा सा, कि हमने यहाँ तैयारी करनी है ट्राउजर की। अभी हम नीचे वाला कपड़ा उठाएंगे एक्स्ट्रा, और
इस तरह आपने अपने आगे रखने हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये सिंगल कर लें आप। पहले हमने डबल रखा था कि हमें आसानी हो निशान लगाने की, तो आपने अभी बैक जो काटनी है आपने इस तरह रख लें, वो आपने इस तरह रख लेना है, ठीक है। फ्रंट वाला जो पैनल काटा है आपने, वो इस तरह आप रखेंगे ऊपर, ठीक है गाइस। और आपने इसको भी निशान लगा लेने हैं, ये आपकी आसानी के लिए निशान लगा रहा हूँ। यहाँ से आपने सीधा निशान लगा लेना 2.5 से, और यहाँ 2.5 इंच रखना है आपने। यहाँ से भी आप बैक बड़ी रख लें 2.5 इंच, ठीक है। और यहाँ 5 से आपने 1 इंच रखनी है बड़ी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हमने आधी इंच निशान कम लगाया 5 का, वो हमारा कवर हो जाएगा आधी इंच, ठीक है। यहाँ से आपने सीधा स्क्वायर से निशान लगा लेना है, और यहाँ गोलाई दे देनी है आपने। अभी यहाँ से बैक आसन हमने नाप लेना है, हमने 16 इंच तैयार रखने, और हमने 18 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है। 2 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ना है। यहाँ से तकरीबन 3 इंच बैक बढ़ी आएगी आपकी फ्रंट से। अभी स्क्वायर से आपने निशान लगा लेना है इस तरह, वहाँ से ऊपर आपने बराबर रखनी है, और 1 इंच जो हमने निशान लगाया हुआ है वहाँ पर रखनी है बराबर, और निशान लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ भी आप शेप दे लें बैक आसन की भी, थोड़ा सा क्रॉस में आएगा, और निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लें। इस तरह बैक की जो है ना, वो आपने निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है, उसका दबाव नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि हमने दबाव बीच में ही रखा हुआ उसका। यहाँ से आपने आधी इंच दबाव छोड़ लेना है साइड से, ठीक है। क्योंकि हमने साइड से दबाव छोड़ा हुआ आधी इंच, और फ्रंट का हमने दबाव छोड़ा हुआ है। जो बैक काटनी है आपने, यहाँ से आपने निशान के ऊपर काटनी है, ठीक है। ये देखें, यहाँ हमने कट छोड़ना है, स्लिट बनानी है 1 इंच की, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा आधी इंच दबाव काट लेंगे। टोटल 1 इंच हम यहाँ से काट लेंगे, ठीक है। और नीचे से हमने बराबर कटिंग करके यहाँ कट लगा लेना है, ठीक है जी, जहाँ हमारी तैयारी आएगी। तो गाइस आज तक के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।